सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रीजनिंग क्लास। आज की क्लास में हम नंबर कोडिंग पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आज हम नंबर कोडिंग स्टार्ट करेंगे, एंड कल की क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी थी, वो अल्फाबेट्स की कोडिंग डिकोडिंग थी। उसमें मैंने आपको एक टेबल बताई थी जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोली थी, वो टेबल की वो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वैल्यू अल्फाबेट्स की, एंड वो यहाँ नंबर कोडिंग में भी काम आएगी। यहाँ आगे भी मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी वो टेबल को पुटअप किया है। तो नंबर कोडिंग पढ़ने से पहले कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसकी बेसिक्स ये थे, दिस दिस, एंड आज जो हम पढ़ेंगे उसका भी बेसिक यही है, ठीक है। जिसे कल की क्लास क्लियर है, कल का जो कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ा था, जिसे वो अच्छे से समझ में आया, वो ये टॉपिक आराम से समझ जाएगा एंड इसके क्वेश्चन भी आराम से विद इन 5 सेकेंड्स कर लेगा। तो चलिए आज नंबर कोडिंग हम स्टार्ट करेंगे। एंड या जिसने वो वीडियो नहीं देखी है कोडिंग डिकोडिंग की, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, प्लेलिस्ट है वहाँ पे रीजनिंग क्लास की, वहाँ जाके वो देख सकता है कोडिंग डिकोडिंग की। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर कोडिंग का। फ्रेंड्स, ये हमारा जॉब इंडेक्स नाम का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे हम सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जॉब के रिगार्डिंग, वह सबसे पहले इधर डाल देते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो आपको इधर उधर वीडियोज़ या इधर उधर न्यूज़ या कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको सारे नोटिफिकेशंस एक जगह पे मिल जाएंगे जो भी आपको रेलेवेंट लगेंगे आपके रिगार्डिंग। तो आप इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर कोडिंग में होता क्या है बेसिकली, देखिए आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे एंड उनके सामने कुछ कोड वैल्यूज दी जाएगी, ठीक है। और वो कोड वैल्यू क्या हो सकती है वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि वो किस टाइप से कोडेड हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली दो टाइप से ही कोड होते हैं, दो या तीन टाइप से कोड होते हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम। इन नंबर कोडिंग, अ न्यूमेरिकल कोड वैल्यू इज असाइंड टू अ वर्ड थ्रू अ स्पेसिफिक रूल। एक रूल के अकॉर्डिंग आपको कोई नंबर का कोड कर देंगे, ठीक है। असाइन कोड वैल्यू मे बी अकॉर्डिंग टू द, अभी बता रखा है कि वो जो वैल्यू असाइन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, या तो वो नंबर जो होंगे उनके सामने जो अल्फाबेट्स होंगे। मैंने आपको कल जो टेबल बताई थी मैंने यहाँ पुटअप की है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको मैं समझा दूंगी। बट वो टेबल की जो मैंने अल्फाबेट्स बताए थे एंड उनके न्यूमेरिकल वैल्यू बताए थे, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 1 का A है, तो वही यहाँ पे बोल रखा है कि असाइन कोड वैल्यू मे बी अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू ऑफ अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, और मे बी अनदर फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो लोग आपको क्या करेंगे, एक तो अल्फाबेट्स वाले से दे सकते हैं या दूसरा आपको 2-3 वर्ड्स दे देंगे एंड उनके सामने उनके कोड लिख देंगे। अब उन्हीं वर्ड से, उन्हीं डिजिट से कोई नया नंबर नीचे फॉर्म कर देंगे एंड वही डिजिट के जो ऊपर कोड गिवन होंगे वही आपको फाइंड करके नीचे वाले वर्ड में पुटअप करने होंगे। इसका मैंने एग्जाम्पल रखा है पीछे, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कोडिंग यही होती है, आपको नंबर्स दे देंगे एंड उनके सामने आपके कोड रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक आपको बता देती हूँ, मान लीजिए आपको कोड दे रखा है, ओके, आपको कोड दे रखा है ओ एन का 29 एंड आपसे कोड पूछा है एन का, तो ये कैसे होगा, आपसे ये पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑन का आपको ओ एन का आपको कोड दे रखा है 29, तो ओ का कोड क्या होता है हमारा, न्यूमेरिकल वैल्यू जिन्हें याद होगी उन्हें पता होगा, ओ का होता है हमारा 15, एन का होता है हमारा 14, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 29, ओके। वैसे यहाँ पे इन का पूछा है, आई का कोड होता है हमारा, आई का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 एंड एन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 14, तो इन दोनों को प्लस करके हमारा जो कोड होगा वो बन जाएगा हमारा 23, ओके। तो ऐसे न्यूमेरिकल कोडिंग नंबर कोडिंग होती है, बहुत ईजी है नंबर कोडिंग। सेकेंडली आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, आई होप आप सभी को ये टेबल अच्छे से याद हो गई होगी अभी तक, क्योंकि यही टेबल है जो एक आपका यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेगी। बस इस टेबल के अकॉर्डिंगली आपके आधे क्वेश्चन तो ऐसे 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एंड कुछ को डीकोड करना पड़ेगा एंड कुछ आपको कंडीशन बेस्ड देते हैं, मतलब ऊपर आपको टेबल बना के दे देंगे, जैसे मैंने कल दी थी ना टेबल दे देंगे एंड उनके लिख देंगे कि 1 का कोड ये है, आपको इसका कोड फाइंड आउट करना है, वो बहुत ईजी होता है।
ओके तो ये टेबल आपको याद करनी है, वन का न्यूमेरिकल वैल्यू सॉरी ए की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होती है, सी की न्यूमेरिकल वैल्यू 3 होती है, ये सब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ऐसे याद करनी है, आपको याद होनी चाहिए ठीक है कि सी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ई की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, प्लस आपको इन सब के रिवर्स पता होने चाहिए, इन अल्फाबेट्स का रिवर्स। जैसे ए का रिवर्स होता है जेड, बी का रिवर्स होता है वाई, सेम जेड का रिवर्स होता है ए, वाई का रिवर्स होता है बी, ये सब आपको पता होना चाहिए। एंड ये सब इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जेड की न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ लिख रखी है, वाई की न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रखी है, एक्स की लिख रखी है, ओके। एंड ये ऐसे सिक्वेंस में, ये मैंने रिवर्स में इसलिए लिखा है जिससे आपको आसानी हो याद करने में, एक ही टेबल में आपका सारा रिवर्स अल्फाबेट्स में भी याद हो जाएंगे एंड आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी याद हो जाएगी, ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही है, इसमें लॉजिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बस यही है, न्यूमेरिकल कोडिंग होती क्या है आपको ये पता होनी चाहिए, एंड सेकेंडली आपको टेबल याद होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग में, बोथ अल्फाबेट्स प्लस नंबर सीरीज, सॉरी बोथ अल्फाबेट्स प्लस न्यूमेरिकल कोडिंग के लिए भी, एंड हाँ नंबर सीरीज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो आते हैं आज एग्जाम्पल्स की तरफ, एक एग्जाम्पल यहाँ फॉर एक्सप्लेनेशन है एंड देन बाकी क्वेश्चन ही है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ इसमें कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। तो क्या है इसमें, इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ईट इज रिटन एज 318 एंड चेयर इज रिटन एज 24156, देन हाउ टीचर बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। सबसे पहले आप देखिए हमें यहाँ पे करना क्या होता है, सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे कि अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। ई की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है, हमारी ई की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 होती है, बट यहाँ पे 5 नहीं दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, इसका मतलब ये लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। बट बस इतना पता है हमें कि ए बीच में है, 1 यहाँ पे बीच की न्यूमेरिकल वैल्यू, ए यहाँ का मिडल टर्म है एंड यहाँ पे भी 1 न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है। तो इसका सबसे सिंपल हम क्या करते हैं, देखिए टीचर जो वर्ड है टीचर उसे लिखते हैं सबसे पहले हम। अब टीचर के जितने भी अल्फाबेट्स हैं हमारे, तो सबसे पहले हम टीचर की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए हमें टीचर दे रखा है, हमने उसे नीचे लिख लिया है। अब क्या है यहाँ पे टी दे रखा है, हाँ ये तो टी दे रखा है हमें, यहाँ पे टी का नंबर जो है वो 8 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे ई का देखेंगे, ई का हमारे 3 नंबर दे रखा है, ए का हमें 1 नंबर दे रखा है, सी ये रहा हमारा एंड सी का हमें 2 दे रखा है नंबर। देन हमारा एच है, एच का हमें नंबर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ये देखिए ये रहा एच, ठीक है 4 लिख देंगे। 83124 यहाँ नहीं है, 83124 यहाँ नहीं है, 83124 यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड को कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, बहुत शॉर्टकट तरीके से एंड बहुत ही जल्दी आपका आंसर इससे आ जाएगा, विद इन आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ तब सॉल्व करने पड़ेगा पूरा जब आपका ऑप्शन एक और हो और उसमें लिख रखा हो नन ऑफ दीज, ओके तभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वरना आपको कोई सॉल्व करने की पूरी जरूरत नहीं है, सीधे एलिमिनेशन मेथड लगाएं। ऑप्शंस 83124 आधा सॉल्व किया, यहाँ पे कट कर किया, लास्ट से भी हम देख सकते थे, बस लास्ट के नंबर देखिए आप सेम है 666, तो लास्ट का हमने नहीं रखा इसलिए सीधे कट किया जो है, एंड भी हमारा खुद ही ऑप्शन आ गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है ये था एग्जाम्पल। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली जो हमारा नंबर कोडिंग होता है उसमें अल्फाबेट्स का ही ज़्यादा यूज़ होता है, अल्फाबेट्स के न्यूमेरिकल प्लेस से ही आपके मतलब वर्ड्स बनते हैं, ठीक है और कोई इतना वो नहीं है, या तो उन्हीं नंबर्स में आपका प्लस माइनस कर दिया जाएगा जो अल्फाबेटिक होते हैं, या उन्हें आगे पीछे कर दिया जाएगा, ऐसे ही कुछ करते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। तो सी यू पी कप की वैल्यू हमें 40 दे रखी है, हम पहले इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। सी की वैल्यू क्या होती है, सी का हमें 3 होता है पता है, यू का क्या होता है, जिसे टेबल याद नहीं है वो टेबल याद कर लेना, टेबल बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। U की वैल्यू होती है 21, P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है 16, तो हम देखते हैं 40 लाना है ना हमें, तो अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो हमारी वैल्यू 40 आ जाएगी, 16 प्लस 21 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37, 37 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40, यानी कि यस हमारा यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, हमें सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है एंड देन उनको प्लस कर देना है। तो अब आपको इम्पोर्टेंस पता चलेगी इस टेबल की, ठीक है जिसे याद होगा वो तो उसने अभी तक सॉल्व भी कर लिया होगा क्वेश्चन। तो K की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, 11, I की वैल्यू क्या होती है 9, T की वैल्यू क्या होती है 20 और E की वैल्यू क्या होती है 5, इन सबको हमें क्या करना है प्लस करना है, सबको प्लस कर देंगे क्या आएगा इसका 20 प्लस 25 मतलब 45 इज द आंसर, तो इसका मतलब बी इज द आंसर, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ओके नेक्स्ट में चलते हैं।
अब ये है हमारा जो मैंने आपको कंडीशन टाइप का बताया था, आपको यहाँ लेटर्स दे रखे हैं, डिजिट दे रखे हैं, आपसे इसका कोड पूछा है LGDXBM का। इसमें क्या करना है, बहुत इजी है, सीधे LG का देखो, LG का 4848 सबका है। मिडिल टर्म में जाओ, कहाँ चेंज हो रहा है कोड, कोड हमारा चेंज हो रहा है सेकेंड लास्ट में, सेकेंड लास्ट कोड हमारा यानी कि बी का कोड क्या है, 3 3, यानी कि ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ओके, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसे। एक्स का कोड देखेंगे क्योंकि उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स में थर्ड जो कोड है हमारा उसमें चेंजेस हैं। तो एक्स का कोड क्या है हमारा, F7 है, यानी कि ये भी गलत, हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखो कितनी जल्दी कर दिया, अगर मैं इसका सबका कोड लिखने बैठी तो कितना टाइम लगता है, यानी सीधे एलिमिनेट कर दिया मैंने MCQ से, एंड हमें पता चल गया। अब यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा, इसमें एट की वैल्यू हमें दे रखी है 20। अब देखिए मुझे तो वैल्यूज याद है, तो मैं तो देख के ही पता चल जाएगा, ए की वैल्यू होती है हमारी 1 एंड टी की वैल्यू होती है हमारी 20। टी की वैल्यू होती है हमारी 20, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है तब 20 आ रखा है। बी की वैल्यू होती है मेरी 2, ए की वैल्यू और ए टी की वैल्यू मुझे पता है 20 है, तो बी की वैल्यू होती है मेरी 2 × 2 किया तो 40 आ गया। ओके, अब मुझे निकालना है सी ए टी की वैल्यू, तो सी ए टी, ए टी की वैल्यू मुझे पहले से ही पता है 20 है, सी की वैल्यू 3 होती है, 3 × 20 कर दूंगी क्या आ जाएगा 60 इज द आंसर, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऐसे निकालते हैं, देखो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कितने एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल कोडिंग जो है टॉपिक वो भी बहुत ईजी है। अब यहाँ देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन है मॉडरेट लेवल का है, गो का कोड दे रखा है 32, SHE, शी का कोड दे रखा है 49। अब यहाँ देखिए क्या है, आपको टेबल पे चलिए, क्या दे रखा है, गो का कोड 32 दे रखा है, राइट। अब यहाँ टेबल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, एक सेकेंड, अच्छे से समझ में आ जाएगा ना ऐसे बहुत। ओके, तो देखिए जी का हमें 7 दे रखा है कोड, एंड हमें गो का बोला था ना, ओ का कोड हमारा 15 है, 7 15 का कोई रिलेशन नहीं आ रहा जिससे हमारा 32 आए, 32 हमें कोड दे रखा था। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जी का रिवर्स का कोड क्या है, जी का रिवर्स होता है हमारा टी, टी का कोड है हमारा 20। ओके, एंड ओ का रिवर्स है हमारा एल, एल का कोड है हमारा 12, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें हमारा क्या आ जाएगा 32, यानी कि हमारा ऑप्शन, हमने कोडिंग, हमने जो नंबर्स हमें दे रखे थे कोडेड करके, हमने उसे डिकोड कर लिया है, हमें पता चल गया कि कैसे कोड किया है, किस पैटर्न में कोड किया है, मतलब जो अल्फाबेट्स है उनका रिवर्स न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, मतलब रिवर्स अल्फाबेट, जिस अल्फाबेट का रिवर्स अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू को प्लस कर रखा है। ओके, तो हम यहाँ चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, गो का हमें पता चल गया, शी का पता चल गया, अब हमें SOME सम का निकालना है। अब देखिए सम का क्या होता है, एस का रिवर्स देखेंगे, ओ का रिवर्स देखेंगे, एम का रिवर्स देखेंगे, एंड ई का रिवर्स देखेंगे। तो एस का रिवर्स कहाँ है हमारा, एच है एस का रिवर्स, क्या है, एच का रिवर्स एस है, इसकी वैल्यू क्या है 8 है, 8। एस के बाद ओ का रिवर्स है हमारा 12, एम का रिवर्स है हमारा एन जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 14, एंड देन ई का रिवर्स है हमारा वी जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 22। ओके, इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे 12 14 22 एंड 8, 12 14 22 एंड 8, तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 12 और 14 को अगर देखो 22 एंड 8 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 30, एंड इसको 12 एंड 14 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 26, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 56, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन 56। इसको भी हम शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं, बताऊं कैसे, देखिए क्या दिया था हमें नंबर, 12 14 और क्या था 8 एंड 8 का क्या था, आई फॉरगॉट वन, 22 22।
अब इसका शॉर्टकट क्या है, देखिए 8 और 2 का प्लस हमारा 10 होता है, सबको पता है, लास्ट में 0 आ गया यूनिट वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगी, 4 और 2 की यूनिट वैल्यू 6 आ गई, यानी कि यूनिट वैल्यू 6 आएगी, इसमें नहीं है यूनिट वैल्यू 6, इन तीनों में नहीं है, इसमें है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए पूरा ऐड करने की, जिसकी एडिशन मैथ्स वीक है उसे पूरा ऐड करना की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आंसर निकल गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पीस इज रिटन एज दिस, ये बहुत ईजी है, देख के ही समझ गई थी मैं। PEACE P की वैल्यू देखिए 16 दे रखी है आपको, E की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू हमारी ये है। तो ये हमारा ऐसे उनके जो अल्फाबेट्स उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे 12 की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी L होती है, तो A तो पहले ही हट गया, लास्ट में हमारा 5 है, ओके 5 हमारा E का होता है, तो दो बाकी हट गए, आंसर नंबर B हमारा सही हो गया। अगर आप चाहें तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, L की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी 12 होती है, 15 हमारी O की होती है, एंड एक मिनट, एंड 22 हमारा V का होता है, एंड 5 हमारा E का होता है। देखिए इजी, अब यहाँ देखिए, इफ बास्केट का कोड दे रखा है, ट्राइड का कोड दे रखा है, आपको स्कर्ट का कोड निकालना है, वही क्वेश्चन है जिसे मैंने आपको पहला कराया था। इसमें देखिए सिंबल्स दे रखे हैं, तो इसका मतलब साफ पता चल जाएगा कि ये जो दो वर्ड्स दे रखे हैं, ये वाले एंड ये वाले, इसके जो कोड है इसी कोड से हमारा इसका कोड बनेगा। एस का कोड क्या है हमारा, यहाँ पे 3 है, 3 सब में है। अब चेंजेस है हमारे यहाँ पे, देखिए सेकेंड कोड में चेंजेस है। के का कोड देखते हैं हम, के का कोड हमारा परसेंटेज है, तो जहाँ पे के का कोड परसेंटेज यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दो कोड हट गए, दो ऑप्शन हट गए, बचा थर्ड कोड क्या है हमारा, आई, आई का हमारा स्टार है, तो ये भी हट गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ये 5 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन हो रहे हैं इसके, आपको सीधे एलिमिनेशन मेथड लगाना है ऑप्शन में और कुछ नहीं करना, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट आपका ये होमवर्क है, आप इसे होमवर्क में कर लीजिएगा, ये भी बहुत इजी है, इसे मैं एक करके बता देती हूँ, बाकी के दो जो ऑप्शन में वो आप खुद कर लेना, ठीक है। वाई, इसका मैंने ऑप्शन नहीं रखा, इसको आपको कोड ही करना पड़ेगा। वाई का है आपका 3, वाई का है आपका 3, ए का कोड आपको 1 दे रखा है, क्यू का कोड आपको 4 दे रखा है, बी का कोड आपको 8 दे रखा है, एच का कोड आपको क्या दिया है यहाँ पे, एच एच एच, एच का ही नहीं दिया, तो एच का हम एच ही रख देंगे। जेड का कोड हमें 3 दे रखा है, आर का कोड हमें 5 दे रखा है, ये हो गया इसका आंसर। जिसका कोड नहीं दिया उसे सीधे वही अल्फाबेट वापस लिख के रख दो, ओके। नेक्स्ट ये दोनों आप होमवर्क में कर लेना, एंड आपका वो क्वेश्चन भी जो है ये वाला, इसे भी आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत इजी क्लास थी, इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस क्लास की, एंड रीजनिंग क्लास की जो प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। सो थैंक यू क्लास, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको सारा सब क्लियर हो। मैंडेटरी आपके लिए जो चीज़ मैंने आपको इस टॉपिक के लिए, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग के लिए जो भी चीज़ होती है ना, रीजनिंग के लिए सबसे मेन जो होता है की वो यही होता है रीजनिंग के लिए, ठीक है। आपको अल्फाबेट्स एंड उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अल्फाबेट्स के रिवर्स आपको याद होने चाहिए, ये आपके नंबर सीरीज में भी काम आएंगे, या आपके कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आएंगे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर किसी का है तो उसमें भी काम आएंगे, हर जगह ये काम आते ही हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी नंबर सीरीज के लिए आपको स्क्वायर्स बताए थे मैंने, स्क्वायर टेबल्स क्यूब ये सब याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप सब क्लियर होगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, एंड रीजनिंग क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। सो थैंक यू गाइस। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।